राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सचिन पायलट की ओर से अनशन का ऐलान करने के बाद से कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए रविवार 9 अप्रैल सुबह 11 बजे पायलट मीडिया से रूबरू हुए और अपनी ही पार्टी की सरकार के मुखिया पर मुकर हुए। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा शासन यानी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कराने के आरोप लगाए थे। पायलट ने सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन का ऐलान किया। पायलट की ओर से इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं ने चुप्पी साध ली। देर शाम तक किसी भी बड़े नेता ने सचिन पायलट के ऐलान पर कोई कमेंट नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि सचिन पायलट ने राज्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच का मुद्दा उठाया था। सचिन पायलट ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान हम कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। घोटालों की जांच की मांग करते हुए राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन दिया था। केग और सीबीबी से मिलकर कार्रवाई की मांग की और सीबीआई जांच की भी मांग उठाई थी। राजस्थान की जनता के भी जाकर भी वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच कराएंगे। अब कांग्रेस को सत्ता में आए हुए 4.25 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के इन प्रकरणों की जांच नहीं करवाई है। सचिन पायलट ने कहा कि हमने जनता से वादा किया था, ऐसे में हमारी कथनी और करनी में अंतर आएगा तो हम फिर से जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। लोगों को लग रहा है कि कई राज्य और गहलोत मिले हुए तो नहीं है। इससे बचने के लिए हमें पूर्ववर्ती सरकार के करप्शन के प्रकरणों की जांच करानी चाहिए। बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए हम इस तरह का ध्यान आकर्षित करने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन किया जाएगा। सचिन पायलट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सचिन पायलट के आरोपों को मनगढ़ंत आरोप बताया है। राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट को पूर्ववर्ती सरकार पर अनगल आरोप लगाने के बजाय अपनी कांग्रेस सरकार के 4 साल 4 माह के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों को भी निष्पक्ष जांच की मांग उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि पायलट ने अपनी ही सरकार के काले कारनामों पर एक शब्द भी नहीं बोला। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि गहलोत शासन में प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है, सभी विधायकों के कार्यों की भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।